अस्सलाम वालेकुम। चलिए आज हम बना रहे कैरी मेथी राजस्थानी स्टाइल में। तो हमने लिए 50 ग्राम मेथी दाना, जिसको हमने आधा घंटा भिगो के उबालने के लिए रख दिया है। 10 मिनट तक हम इसे उबालेंगे। और इधर हमने साइड में आधा किलो कैरी ली है, जिसे हमने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है, ये देखिए। और इसके साथ ना छिलके के साथ कटता है ये। चलिए अब इसे 10 मिनट उबालते हैं, फिर आपको आगे दिखाते हैं क्या करना है। चलिए अब देखिए ये उबल रहा है। अब हम इसके अंदर ये पूरा हमारा कैरी डाल देंगे और इसे थोड़ा मिक्स करेंगे, ऊपर नीचे करेंगे। कैरी मेथी मैं नहीं बना रही हूँ आज, कैरी मेथी मम्मी बना रहे हैं, क्योंकि मुझे तो ये बनाना भी नहीं आता है। ये मम्मी को ही पसंद है रेसिपी, और राजस्थान के स्टाइल में मम्मी बोले मैं बनाऊंगी। गैस हमारा चालू है स्लो पे। अब इसे ऊपर नीचे करके क्या करना है, इसे गैस बंद करना है, चालू रहने देना। चले मम्मी ने बोल दिया गैस बंद कर दो। कितनी देर रखना है इसको इसके अंदर? 2 मिनट बस। आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए, फिर आगे हम आपको दिखाते हैं। अब देखिए अब ये ना 5 मिनट हो गया है। अब ये मेथी कैरी का हम पूरा पानी निकाल देंगे गरम वाला। चलिए देखिए तेल, 2 बड़े चम्मच तेल गरम कर लिए। आधा चम्मच जीरा डालेंगे, आधा चम्मच सौंफ को थोड़ा सा कूट लिए हैं ऐसे ही, वो डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर 1 चम्मच भर के डालेंगे। जैसे ही हमारा ये जीरा और सौंफ तड़तड़ाएगा ना, तब हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच भर के लाल मिर्ची पाउडर। उसी समय हम डाल देंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर। जले नहीं इसलिए हम थोड़ा पानी डाल देंगे। कभी भी आप ध्यान रखिए मसाले डालने के वक्त पानी वगैरह थोड़ा डाल दीजिए, इससे क्या है मसाले जलते नहीं है। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। अब इसे अच्छे थोड़ा भूनेंगे ताकि इसकी कच्ची महक निकल जाए। लाल मिर्ची थोड़ी कम लग रही है, हम थोड़ी सी और डाल देंगे। अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का 1 चम्मच भर के हम पेस्ट डाल रहे हैं। अब इसे भी अच्छे से भूनेंगे हम। ये रेसिपी आप अपने घर में बनाइए, रोटी पराठे के साथ खाइए, बहुत टेस्टी है। ये हमारी राजस्थान की फेमस रेसिपी है मेथी कैरी, आप अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए देखिए अच्छे से मसाला भुन गया है, पूरा तेल साइड में हो गया है। अब हम डाल रहे कैरी मेथी जो हमने धो दिए अच्छे से, अब वो डाल देंगे। बॉईल किया हुआ जो पानी था ना, वो आपको हटा देना है और उसके बाद एक बार साफ पानी डाल लेना है, फिर अच्छे से भुनेंगे इसको भी। चलिए देखिए अब इसे हमने उलट पुलट कर लिया अच्छे से। अब हम इसे दो मिनट के लिए ना ढक्कन ढक के पकाएंगे स्लो फ्लेम पे, फिर हम आपका आगे दिखाते हैं। चलिए देखिए कितनी अच्छी भुन गई है, ऐसा पूरा तेल ऊपर आ जाएगा ना, आप समझ जाइए हो गई। और थोड़ा ना कैरी को भी आप देखिए ऐसे दबा रहे ना, तो एकदम कैरी नरम हो गई देखिए। और मेथी तो हमने उबाल के गलाई लिए थे। अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच भर के गुड़, ये देखिए गुड़ डाल देंगे। इससे क्या होगा ना, एक खट्टा मीठा स्वाद आएगा। अब गुड़ डाल के इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, गुड़ को गला लेंगे
और कुछ जाएगा मम्मी इसमें? नहीं जाएगा, ये फाइनल है, तैयार हो गई है। और मम्मी बता रहे थे हमारे राजस्थान में ना कुछ लोग क्या करते हैं, इसके अंदर है ना किशमिश भी डालते हैं और कुछ लोग ड्राई फ्रूट डालते हैं, खजूर डालते हैं कड़क वाली, लेकिन हमारे ना इतना कोई खाने वाला नहीं है। और रमज़ान भी चल रहा है, हम लोग ये कैरी मेथी खा ले वही बहुत बड़ी बात है। अब ये हमारी सब्ज़ी एकदम रेडी हो गई है, वो गुड़ अपना घुल जाएगा, आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। चलिए, अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो हमारे चैनल को कीजिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।